जय माता जी। दोस्तों आप देख रहे हैं धर्म स्वास्थ्य। दोस्तों आज 18 अगस्त को श्रावण की पुत्रदा एकादशी है। यह तिथि मित्रों अत्यंत ही पवित्र मानी जाती है। जो भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है मित्रों, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों आज पुत्रदा एकादशी व्रत कथा में हम पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के एक ऐसे उपाय के बारे में जानेंगे जो निसंतान दंपतियों के लिए रामबाण उपाय होता है। तो दोस्तों पहले व्रत कथा का हम श्रवण करें, गुणगान करें, उसके बाद व्रत कथा के बाद हम एक ऐसे उपाय के बारे में जानेंगे जिनके अपनाने से हमारे सभी मनोवांछित कामनाएं, हमें सभी सांसारिक सुख एवं पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों वीडियो को लंबा न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है महाराज युधिष्ठिर का और भगवान श्री कृष्ण के संवाद का। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसकी कथा सुनने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दोस्तों द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण उसको राज्य का सुख अच्छा नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए लोक और परलोक दुखी होता है। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए उसने कई उपाय किया किंतु पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं और न ब्राह्मणों को छला है। किसी दूसरे की धरोहर को भी मैंने कभी नहीं हरा है। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा और कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान माना है। सज्जनों की पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं दुख रहता हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के बाद मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि जंगल चले गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के दर्शन किए और राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी को देखते रहे। एक आश्रम में उन्होंने देखा एक वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी महाराज जितेंद्रिय जितात्मा जो है मुनि है तपस्या कर रहे हैं। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता वो लोमस मुनि थे जिनका कल्प के व्यतीत होने पर ही एक रोम गिरता था। सबने जाकर उन मुनि को प्रणाम किया और उन लोगों को देखकर मुनि ने उनसे कारण पूछा आने का। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा, ऐसा मुनि ने उन्हें बताया। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्म से भी समर्थ है, अतः आप इस संदेह को दूर कीजिए कि महिष्मतीपुरी का धर्म राजा होते भी ये पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन क्यों है। उन लोगों ने आगे कहा, हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उसके दुख से हम भी दुखी है। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि उनका यह संकट दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः आप कृपया उनके पुत्र होने का कोई उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किया और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। वैश्य होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह जबकि दो दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। मित्रों उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासे गौ को जल पीते हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, अब इस प्रायश्चित का कोई उपाय बताइए। लोमस ऋषि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, व्रत करो और रात्रि को जागरण करो।
इससे राजा का या पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित प्रजा नगर को लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उन्हें पुण्य का फल राजा को दिया गया और उसी पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। सो हे दोस्तों, अगर आप भी पुत्र विहीन है, पुत्र का सुख नहीं पा रहे हैं और आपको पुत्र की अभिलाषा है तो इस दिन आपको एक उपाय करना है जो कि सीधा सिंपल और सरल उपाय है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको पीले ताजे फूल लेकर भगवान विष्णु पर अर्पित करें और भगवान विष्णु को चंदन का टीका लगाएं और शाम के समय दोस्तों ध्यान रखें, शाम के समय को गुड़ किसी गाय को अवश्य खिलाएं दोस्तों, क्योंकि गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती है। गौ माता की सेवा करने से हमें साक्षात पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है या साक्षात अक्षरशः सत्य है जो कि रामायण महाभारत और पुराणों में भी लिखा गया है। अतः आप अवश्य श्रद्धा के अनुसार दोस्तों, अगर जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप इस पर कामयाब नहीं हो सकते। आप श्रद्धा से कर भगवान विष्णु का यह उपाय करें और पूरे तन्मय के साथ भगवान विष्णु पर श्रद्धा रखें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ कि भगवान विष्णु आपकी मनोकामना पूर्ण करें, वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।